नमस्कार दोस्तों, आज हम हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, जो एल्किल हैलाइड बनाने की प्रमुख विधियां हैं उनको हम समझते हैं। तो पहला हमारे पास है एल्केनों से एल्किल हैलाइड बनाना। देखिए, हम एल्केनों से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे। एल्केन का सबसे सरलतम सूत्र है मेथेन। ये हमारे पास मेथेन है CH4, इसे हम क्लोरीन से क्रिया कराते हैं। जब मेथेन को हम क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, ध्यान दें, यहाँ पर प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थिति होना अनिवार्य है। जब हम मेथेन को प्रकाश या उत्प्रेरक की उपस्थित में क्लोरीन से क्रिया कराते हैं, तब हमको मिलेगा या जो हमें बनता है जो हमें प्राप्त होता है या बनता है वो होगा मेथिल क्लोराइड। तो आप कहेंगे कि हमने मेथेन को क्लोरीन से क्रिया कराया सूर्य के प्रकाश की उपस्थित में या उत्प्रेरक की उपस्थित में, तो हमें मेथिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एच था और यहाँ से एक Cl गया, मतलब यहाँ से एक H आया, यहाँ से Cl, तो ये बना लिया HCl। यह इस रूप में प्लस में ऐड हो जाता है। उसी प्रकार हम पुनः देखेंगे, ये प्रक्रम चार पदों में पूर्ण होता है। तो पहला पद हमने समझा, ये दूसरा पद है, तो हम क्या करेंगे, इसे पुनः क्लोरीन से क्रिया कराएंगे। इस बार यहाँ से एक H और यहाँ से एक Cl निकलेगा, तो यहाँ पे बना लेगा माइनस HCl, और ये जो बन जाएगा हमें प्राप्त होगा HCl, और ये H। फिर उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ हम लेंगे डाई हेलो एल्केन क्लोरीन, दो बार है इसलिए हेलो शब्द जुड़ रहा है, और यहाँ पे ये, इसे हम पुनः क्लोरीन से क्रिया करा देंगे। जब हम इसे क्लोरीन से क्रिया कराएंगे, तो एक एच यहाँ से गायब होगा और एक सी एल यहाँ से निकलेगा, ये बना लेंगे एच सी एल, जो प्लस में जा कर के निकल जाएंगे, या आप तीर के नीचे माइनस लिखकर निकाल सकते हैं। तो ये बनाएगा सी एल, यहाँ से आएगा एच ऊपर रहेगा, और यहाँ सी एल, इसका नाम होगा क्लोरोफार्म। फिर इसी प्रक्रम को आगे हम बढ़ाते हैं, और क्लोरोफार्म को सी एल, यहाँ पे आप करेंगे एच, यहाँ पे सी एल, पुनः इसे आप किसी के लिए क्रिया कराएंगे, क्लोरीन से कराएंगे, तो ये क्या बनाएगा आपका, पायरीन। ये जो बनेगा आपका क्या बनेगा, पायरीन। तो देखिए, ये हेलो एल्केन बनाने की प्रथम विधि रही। दूसरी विधि जो है एल्किनों से। तो अब आप एल्किनों से हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, ध्यान दें, जब एल्किनों को हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं, तो क्या प्राप्त होता है हमें, तो हमें प्राप्त होगा एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन। जैसे एल्केन हमारे पास हैं, ये एल्केन बनेंगे, ये एल्कीन है हमारे पास। अब इसे हम किससे क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड अर्थात HCl से। तो एल्कीन को हमने हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराया, अब क्या होगा, इसमें दो बंध लगे हुए हैं, एक बंध को तोड़ दो, दोनों साइड जोड़ दो, ये बताया गया आपको बहुलक वाले भाग में, ये काम करेंगे आप। यदि आपने बहुलक नहीं देखा तो बहुलक का भाग देखें, जब आप करेंगे तो दो कार्बन आपको ऐसे मिल जाएंगे, ये दो कार्बन हो गए। अब यहाँ से एक बंध रहेगा, और एक जो बंध लगा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या होगा, H आएगा, ये वाला H यहाँ पे आएगा, और दो H इस कार्बन से लगे हुए हैं वो यहाँ पे आकर अटैच होंगे, दो H यहाँ पे जुड़ेंगे, और बचा क्या हमारे पास, X बचा है। तो ये हेलो एल्केन बन गया। इसे हम और अच्छी तरह से समझते हैं, जैसे R, H, यहाँ पे
द्विबंध के साथ ये यच लग गया आपका, और उसके बाद यच सीआर। अब आप इसे समझिए, यहाँ पे दो बंध लगा हुआ है, जब बंध टूटेगा तो आर एस आएगा, और ये कार्बन है, द्विबंध था, एक बंध आएगा और एक एच यहाँ पे आएगा। इतना सबके समझ में आया होगा। देखिए ये जो दो बंध था, आधा बंध इधर आएगा, आधा बंध इधर आएगा, तो ये आधा बंध इधर की ओर बढ़ेगा और ये कार्बन आएगा। अब यहाँ पे इस कार्बन से कितने एच जुड़े हैं, दो एच जुड़े हैं, और यहाँ पे क्या है, सी एल है, तो आप सी एल कर देंगे और यहाँ का एच उठा करके आप यहाँ पे ला के ऐड कर देंगे, तो ये एल्किल हैलाइड बन गया आपका। फिर हम तीसरा पढ़ेंगे एल्कोहल से, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना। देखिए एल्कोहल से एल्किल हैलाइड तीन प्रक्रमों से बनाए जाते हैं, तो उसमें पहला है ल्यूकास परीक्षण या लुकास परीक्षण परीक्षण। देखिए जब एल्कोहल को जेड एन सी एल टू की उपस्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराते हैं, ध्यान देंगे एच एक्स से क्रिया कराते हैं जेड एन सी एल टू की उपस्थित में, तो क्या होगा, यहाँ पर आर एक्स बनेगा, ई एल की हैलाइड हो गई आपके, प्लस एच टू वो बाहर निकल जाएंगे, जल बाहर चला जाएगा। इसे हम और अच्छी तरह समझते हैं, सी एच थ्री ओ एच प्लस एच सी एल, जेड एन सी एल टू की उपस्थित में, जेड एन सी एल टू की उपस्थित में बनेगा सी एच थ्री सी एल प्लस एच ओ एच। इसका अभ्यास आप लोग स्वयं करें। दूसरा जो प्रक्रम हमारे पास है या खंड बी जो है वह है डार्जेन अभिक्रिया द्वारा। अब प्रश्न आता है डार्जेन अभिक्रिया क्या होती है। जब एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड, ध्यान देंगे थायोनिल क्लोराइड, जब किसको, एल्कोहल को थायोनिल क्लोराइड अर्थात एस ओ सी एल टू से क्रिया कराते हैं, तब क्या की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो बनता है हमारे पास आर सी एल, मतलब एल्किल हैलाइड बनेगा, एच सी एल बनेगा और एस ओ टू गैस बाहर चली जाएगी। इसे हम और ध्यान से सही समझेंगे, सी एस थ्री ओ एच एस ओ सी एल टू, इसे गर्म करते हैं तो हमें मिलेगा सी एस थ्री सी एल प्लस एच सी एल प्लस एस ओ टू गैस। तो ये कैन अभिक्रिया है, ये डार्जेन अभिक्रिया है। अब जो तीसरा प्रक्रम है आपका वह है फास्फोरस हैलाइड से एल्किल हैलाइड बनाना। तो वास फास्फोरस हैलाइड से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, देखिए पहले एल्कोहल को आप PCl5 से क्रिया करा दीजिए, PCl5 से क्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका RCl POCl3 प्लस यहाँ पे जो बनेगा HCl बनेगा। इसे हम और ध्यान से समझें, CH3 OH प्लस PCl5 बनेगा CH3 Cl POCl3 HCl। उसी प्रकार CH3 CH2 OH प्लस PCl5 ये बनाएगा CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। देखिए इसी का भी भाग दो है, अगला भाग है, अगले भाग में हम देखेंगे ROH प्लस PCl3। तो ध्यान देंगे ये डायरेक्ट नहीं बनेगी क्योंकि बैलेंस नहीं है, तो तीन से यहाँ से गुणा करना है और तीन से आपको यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, तो बन जाएगा आपका ये जो बना है 3ROH 3P क्या बना है आगे 3ROH और 3PCl3। अब बनेगा 3RCl प्लस
H3, क्या है आपका H3। और ध्यान दें यहाँ पे H3 है और PO3 बन जाएगा, यहाँ से ये चीज़ हट जाती है। तो आपने समझ आप समझ गए। इसे हम एक उदाहरण से और समझते हैं, CH3OH प्लस PCl3, ये बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा 3CH3 और यहाँ पे हमारे पास जो है Cl प्लस H3PO3 बनेगा। उसी प्रकार हम अगला देखेंगे, अगला हमारे पास है जो हुंसडीकर अभिक्रिया, हुंसडीकर अभिक्रिया अभिक्रिया। देखिए इसमें इसमें हम कहेंगे सिल्वर एसीटेट को RCH2COAG, ये हमारा सिल्वर एसीटेट है, इसको हम ब्रोमीन से क्रिया करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होते हैं। जैसे यहाँ पे मिलेगा RCH2, उसके बाद हमें मिलेगा ब्रोमीन अर्थात Br प्लस CO2 गैस और AgBr मिलेगा। जैसे पुनः इसे हम समझें, CH3CH2COAG प्लस Br2 गिव्स CH3CH2COAG, गलती हुई, CH3CH2Br प्लस AgBr प्लस CO2, ये डायरजन अभिक्रिया द्वारा हो गया। अब इसके बाद आखिरी है या पांचवा हैलाइडों के आदान प्रदान से हैलोल्किन बनाना। जैसे आर एक्स प्लस NaI, दोनों में एल्किल हैलाइड जुड़ा हुआ है, अब हम आदान प्रदान कर देंगे तो RI बन जाएगा प्लस NaX हो जाएगा। इसे हम और सही समझते हैं, CH3Cl प्लस NaI बन जाएगा हमारा CH3I प्लस NaCl, ये हमारा बन गया। इसी में हम और एक समझते हैं, CH3CH2Br प्लस NaI, ये बन जाएगा CH3CH2 और यहाँ पे आएगा आपका I प्लस NaBr। तो आज हमने देखा एल्किल हैलाइड या हैलोल्किन बनाने की अनेक विधियों को। अगले भाग में हम देखेंगे हैलोल्किन या एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। ध्यान दें, भौतिक गुणधर्म आप सब पढ़ लीजिए, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है, उसे हम बता रहे हैं। किसी भी प्रकार की समस्या यदि आप पढ़ाई करते हैं और जो समस्या उत्पन्न होती है, यदि उसका समाधान नहीं हो रहा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, 888-781-6427, ये हमारा नंबर है। धन्यवाद।